हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यूआर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीईआरसी बर्क असिस्टेंट्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि आखिरकार आपको कब पता चल जाए आपके एग्जाम की डेट क्या है, आप शॉर्टलिस्टेड लिस्ट में नाम आपका आ गया या नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होगा आपके पास मेल भी आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप चेक कर सकते हैं आपके मेल बॉक्स में जाके। और दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, मतलब कि कितनों का नाम आ सकता है, कितने गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे वो एग्जाम के लिए। तो डेफेंस हम हर एक चीज को वन बाय वन करके जाने। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन की पल पल की अपडेट मिलती रहे। और हाँ जी दोस्तों, वीडियो आती ही पसंद तो इसको अभी लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक जानकारी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्या बात करना है फेज वन के लिए, नेम लिस्ट कब तक। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को मेल प्राप्त हो रहे होंगे जिसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के नाम भी आ रहे होंगे या फिर ये बताया जा रहा होगा कि आखिरकार आपका कुछ टाइम बाद नाम आ जाएगा या आपको दिखा दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं। ऐसे करके मेल आ रहा है डियर फ्रेंड्स, बहुत से कैंडिडेट के पास आ भी चुके हैं जिसमें यह बोला गया है कि आप लोगों का जो लिस्ट है जल्दी जारी होने वाला है। तो दोस्तों, आपके फर्स्ट फेज के लिए आप लोगों का नाम आएगा कि नहीं, आपको कैसे चेक करना है, ये सिंपल ही प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को आपका पासवर्ड एंड उसके साथ साथ वहाँ पे कैप्चा दिया रहता है और डियर फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको सबमिट करनी रहती हैं, वहाँ पे ऐड करनी रहती हैं और लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं तो खुल जाता है आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जैसे ही आपके ऑफिशियल साइट पर शो करने लगेगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो लिंक और आप उसमें देख सकते हैं, है ना डियर फ्रेंड्स। तो बात करते हैं आखिरकार कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें आपके लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के अनुसार यदि आपकी पोस्ट अभी कितनी है, 74। जी हाँ दोस्तों, आपकी पोस्ट टोटल है 74। तो दोस्तों, आप लोग सिलेक्ट होंगे करीबन 1150 के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, इतने कैंडिडेट का नाम आएगा, शॉर्ट लिस्टेड होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इतने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे आपके प्री के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। देन इसके बाद दोस्तों, जो फर्स्ट फेज को क्वालिफाई कर लेंगे वो सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और आप लोग इस चीज के लिए चिंता ना करें कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों, आएगा आपका नाम और जिसका नहीं भी आएगा तो उसका रीजन रहेगा, आप लोग उसके लिए अप्लाई भी करेंगे। ऐसा बहुत सी पोस्ट के लिए होता है, जैसे कि अभी आपने स्टेनोग्राफर के लिए देखा होगा, वहाँ पर जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनका एलिजिबल आया है। देन इसके बाद जो कैंडिडेट रीजन बस एलिजिबल नहीं हो पाए तो उन्होंने कारण दर्शाया है, और जो नॉट एलिजिबल है तो उसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आपने ये फॉर्मेलिटी अदा नहीं की। एंड फ्रेंड्स, जिनका ऐसा लगता है कि हाँ मेरा नाम आना चाहिए था, मैं इसके लिए एलिजिबल था, तो उनके लिए वहाँ पर देते हैं वो टाइम कि आप इतने समय के अंदर अपनी क्वेरी रख सकते हैं उनके सामने। यदि उनको लगता है हाँ आप एलिजिबल हैं तो आपका नाम आ जाता है। तो दोस्तों, अंत में बात करते हैं कि आखिरकार कब तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें आपकी लिस्ट आ सकती है इसी महीने की 26 तारीख तक। जी हाँ फ्रेंड्स, यूँ कहें कि दिवाली के पहले पहले आपकी लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, जो जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनकी और जो नॉट एलिजिबल हैं उनकी भी। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। यदि आपके मन में कोई कमेंट्स या क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य देते हैं, फिर आपके भाई बंधुओं से पूछ भी लेते हैं। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।